सीबीआई के इस अधिकारी ने की थी 5 करोड़ की डील, जिसमें से 3 करोड़ रुपए की रकम पहुंचा दी गई, बाकी के 2 करोड़ काम होने के बाद देना तय किया गया। डायलॉग किसी फिल्म का लग रहा है, लेकिन ये कहानी फिल्मी नहीं बल्कि सीबीआई के दूसरे नंबर के शीर्ष अधिकारी राकेश अस्थाना की है। दरअसल हैदराबाद के एक बिजनेसमैन सतीश बाबू सना की शिकायत के आधार पर राकेश अस्थाना पर दर्ज FIR में इस बात का दावा किया गया है। सतीश बाबू ने कहा था कि उन्होंने राकेश अस्थाना को पिछले वर्ष लगभग 3 करोड़ रुपए दिए थे। आपको बता दें कि अस्थाना पर आरोप है कि मांस कारोबारी मोइन कुरैशी के खिलाफ एक मामले में वो जांच कर रहे थे। इसी मामले में मोइन से अस्थाना ने रिश्वत ली। सना का बयान CRPC धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया गया है, जो कि कोर्ट में भी मान्य होगा। सना ने अपनी शिकायत में कहा था कि सोमेश ने मुझे बताया कि राकेश अस्थाना मेरे CBI केस का ध्यान रखेगा, जिसके एवज में 5 करोड़ रुपए की डील पहले ही की जा चुकी है। जब सना दुबई में सोमेश से मिला तो बातचीत के दौरान उसने बताया कि अस्थाना इस काम को निश्चित तौर पर करेंगे, क्योंकि उसने पिछले कई वर्षों में उनके दुबई और लंदन में इन्वेस्टमेंट को मैनेज किया है। उसने ये भी जानकारी दी कि अस्थाना पिछले वर्ष लंदन स्थित उनके आवास पर भी रुके थे। CBI के दूसरे नंबर के शीर्ष अधिकारी पर ये संगीन आरोप वाकई चिंता का विषय है, क्योंकि CBI देश की सर्वोच्च एजेंसियों में से एक है और उसकी साख पर बट्टा लगने का मतलब सीधे तौर पर सरकार सवालों के घेरे में आ जाती है। सोशल मीडिया पर खबरों की लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को और हमें सब्सक्राइब भी करें।